नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। बात चाहे ओलंपिक्स खेलों की हो या फिर नेशनल गेम्स की, सानिया मिर्जा ने हर जगह अपने अच्छे प्रदर्शन से अपना नाम बनाया है। सानिया मिर्जा एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही शानदार खेल प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया था। उन्हें भारत की लोकप्रिय खिलाड़ी महिलाओं में स्थान दिया जाता है और अब सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा ने कहा कि यह उनका आखिरी सीजन होगा, यानी कि साल 2022 में सानिया मिर्जा आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखाई देंगी। सानिया मिर्जा ने कहा कि उनके संन्यास लेने के कई कारण हैं। सानिया का कहना है कि उनका शरीर अब थक रहा है, इसके साथ ही प्रत्येक दिन के लिए ऊर्जा और प्रेरणा पहले जैसी नहीं रही है। सानिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी रिकवरी में ज्यादा समय लग रहा है। यह भी कहा कि अपने बेटे के साथ, 3 साल के बेटे के साथ रोजाना ट्रैवल करके वह अपने बेटे को जोखिम में डाल रही है। साथ ही यह भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब खराब हो रहा है, मेरे घुटने में आज वास्तव में बहुत दर्द था, लेकिन मैं यह नहीं कह रही कि इसी कारण से हम मैच हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। कम उम्र में ही अपनी पहचान बनाने वाली सानिया शुरू से ही पढ़ाई में भी काफी अच्छी रही हैं। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को सपनों के शहर मुंबई में हुआ था, जबकि सानिया की जो शिक्षा है उन्होंने हैदराबाद के NASR स्कूल में ली। इसके बाद की पढ़ाई भी सानिया मिर्जा ने हैदराबाद के सेंट मेरी कॉलेज से की। सानिया का ग्रेजुएशन भी हैदराबाद से ही हुआ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पिता का नाम इमरान मिर्जा है, वह एक खेल संवाददाता थे। इसके चलते ही हमेशा से सानिया मिर्जा को खेल के लिए अपने पिता से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा और साथ ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलता रहा। सानिया की मां का नाम नसीमा है, जो कि मुंबई में ही एक प्रिंटिंग बिजनेस से ताल्लुकात रखने वाली कंपनी के साथ काम करती थी। सानिया मिर्जा ने महज 6 साल की उम्र से ही निजाम क्लब हैदराबाद में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। इस दौरान सानिया ने महेश भूपति के पिता और टेनिस प्लेयर सीके भूपति से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। सानिया के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सानिया को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवा सके, इसी वजह से उन्होंने कुछ व्यापारिक समुदायों से स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दिया। इनके नामों में जीवीके इंडस्ट्रीज और एडिडास शामिल रहे, जिन्होंने सानिया को महज 12 साल की उम्र में ही स्पॉन्सर किया था। सानिया ने सबसे पहले 14 साल की उम्र से कम में ही अपना पहला ITF जूनियर टूर्नामेंट इस्लामाबाद में खेला था। साल 2020 में भारत के टॉप टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की नजर सानिया मिर्जा के खेल पर पड़ी। इस दौरान सानिया की उम्र महज 16 साल की थी और इसी दौरान पेस ने यह निश्चित कर लिया था कि वो सानिया को डबल्स में उतारेंगे, जिसके बाद सानिया ने देश को कांस्य पदक दिलाया। इसके बाद 17 वर्ष की होने के साथ ही सानिया मिर्जा ने विंबलडन का जूनियर डबल्स चैंपियनशिप खिताब भी अपने नाम कर लिया और भारत का नाम रोशन किया। साल 2003 के दौरान सानिया को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस दौरान ही सानिया मिर्जा को भारत की तरफ से खेलों में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई थी। इस एंट्री के साथ ही सानिया ने भी अपने खेल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सबको इम्प्रेस किया। कुछ समय बाद ही सानिया मिर्जा का नाम सोएब मलिक के साथ जुड़ने लगा और दोनों साथ दिखाई देने लगे। फिर सानिया मिर्जा और सोएब मलिक ने 12 अप्रैल 2012 को निगाह किया। सानिया मिर्जा भारत से है और सोएब मलिक पाकिस्तान से बॉलिंग करते हैं। इन्हीं कारणों से कई बातों और विवादों का भी सामना इन्हें करना पड़ा। सानिया और सोएब का निगाह हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ हुआ था। सानिया का सोएब से निगाह को लेकर उन्हें काफी ज्यादा लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाओं से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और हर जगह अपने पति का साथ दिया। पाकिस्तान के साथ ही इस शादी को लेकर भारत में भी कई लोगों ने गुस्सा दिखाया।
सानिया ने किसी भी बात का कोई परवाह नहीं किया। कई लोगों ने उन्हें पाकिस्तान की बहू बताया और यहाँ तक कि कह दिया कि उन्हें भारत के लिए अब नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सानिया ने इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं देते हुए भारत की तरफ से वो खेलती रही। सानिया पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। वर्तमान में विश्व में 68वें स्थान पर मौजूद है। सानिया युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 और सिंगल में करियर की सर्वश्रेष्ठ 27 रैंकिंग भी प्राप्त कर चुकी है। सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन के अलावा 2016 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। वहीं मिक्स डबल में 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन खिताब जीतकर अपने नाम कर चुकी हैं। सोनिया ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2016 में मार्टिना हिंगिस के साथ महिला युगल में एक प्रमुख जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने महिला टेनिस में सबसे अद्भुत युगल जोड़ी का भी गठन किया और अब सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं काफी सोच समझ कर उन्होंने यह फैसला लिया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। धन्यवाद।